प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको पाठ 14 भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगी। ये आपकी उदिता, ये आपकी भारत की दिव्य विभूतियाँ नामक पुस्तक से है, चैप्टर है 14। विश्व की शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश देने वाले, विश्व को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक 563 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व मानी जाती है। इनकी पिता का नाम, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम माया देवी था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जब जन्म पत्रिका तैयार की जा रही थी तो ज्योतिषियों ने, यानी पंडितों ने इनके विषय में बताया कि ये बालक सन्यासी हो जाएगा। इस प्रकार से इनका जन्म जिस परिवार में हुआ था वे राजा थे, इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। तो इनके पिताजी ने परिवार में इतने खेल खिलौने और इनके संसाधन जुटा दिए थे कि इस बालक का मन ना बहले। इस प्रकार से फिर इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ और उसके बाद जब इनका पुत्र हुआ, एक दिन क्या करा, ये भ्रमण करने जा रहे थे और भ्रमण करते हुए इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, अर्थात बूढ़े व्यक्ति को देखा। इनका मन जो था भ्रमित हो गया और जब देखा तो ये अपने सारथी से पूछने लगे कि ये आदमी लाठी के सहारे क्यों चल रहा है। वो झुक कर चल रहा था तो इन्होंने, ये उस समय जवान थे तो इन्होंने उसको देखते हुए पूछा, कारण पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है। तब इनके सारथी ने कहा कि ये, हाँ तो बच्चों, जब इनका, इन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, ये देखा कि बुजुर्ग आदमी लाठी लिए झुक के चल रहा है, तो इन्होंने सारथी से पूछा। सारथी ने कहा कि ये पहले हम जैसा ही था, जैसे जैसे इसकी एज ढलती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये शरीर जो है इसी प्रकार से हो जाता है। और उस बुजुर्ग के चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी तो ये देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये घर आ गए। घर आकर के सोचने लगे और फिर अगले दिन, दो चार दिन के बाद फिर घूमते हुए जाते हैं और फिर इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। जब मृत व्यक्ति को देखते हैं कि उस व्यक्ति को चार आदमी अपने कंधों पर लिए जाते हैं, तो ये फिर सारथी से पूछते हैं क्या कारण है कि ये क्या है। तो सारथी बताता है कि ये व्यक्ति, या जो भी व्यक्ति है या महिला है, ये इसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब ये संसार से हमेशा के लिए चला गया है। तो ये वहीं पर दुखी होते हैं और आते हैं विचार मग्न, सोचते हैं। सोच करके एक दिन इन्होंने रात्रि में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर और राजसी वस्त्र त्याग कर महल से निकल जाते हैं। महल में जब ये महल से जाते हैं तो इनकी उम्र उस समय 29-30 के लगभग होती है। इस प्रकार से ये पहुँचते पहुँचते एक जंगल में जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते इन्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। पहले इनका नाम जो था गौतम बुद्ध था, लेकिन बचपन के इनका नाम सिद्धार्थ था। तो जब इन्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है तभी से वहाँ पर से इनके नाम के आगे गौतम बुद्ध लग जाता है। जब ये तपस्या करते करते इन्हें ब्रह्म तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है, तब से गौतम से गौतम बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध तत्व की प्राप्ति के बाद ये कहाँ, सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ में जाकर वहाँ सबसे पहले 5 साथियों को उपदेश देते हैं, उनका धर्म चक्र का परिवर्तन,
किया और बार में चार साहितार बताते हुए मध्य मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हैं। हाँ, बल दिया और उसके बाद इन्होंने अष्टांग मार्ग भी कहा गया और इन्होंने अष्टांग मार्ग भी कहा। इसमें सांसारिक, इसमें इन्होंने कहा कि केवल मनुष्य को सांसारिक भोगों में लिप्त ना हो रहकर अपने कर्तव्य मार्ग का पालन करने की बात भी कही है। इन्होंने चार सत्य, इन्होंने चार आर्य सत्य भी, क्या आर्य सत्य थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग और गामिनी प्रतिपदा, ये इनके चार आर्य सत्य थे। अष्टांग मार्ग क्या हैं? अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। इन उपदेशों का संग्रह महान ग्रंथों में है। इन उपदेशों, जो इन्होंने उपदेश दिए थे, इन उपदेशों का जो संग्रह है महान ग्रंथों में है। इन महाग्रंथों को त्रिपिटक भी कहते हैं। ये त्रिपिटक कौन से हैं बच्चों? ये सूत्र पिटक है, विनय पिटक है, अभिम्म पिटक है। हाँ, इनके महाग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाने लगा। इनके शिष्यों को भिक्षु कहा जाने लगा। धीरे धीरे इनके अनुयायी भिक्षुओं को गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक शक्तियों व इनके तपस्वी जीवन से प्रभावित होकर इन्हें बुद्ध रूप में मानने लगे। लोग कहते बुद्धम शरणम गच्छामि ही, बुद्धम शरणम गच्छामि ही, यानी बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ का उद्घोष करते हुए अनेकों लोगों ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। इनकी पत्नी यशोदरा ने अपने पुत्र राहुल को भी बुद्ध की शरण में भेज दिया। इस प्रकार से महान सम्राट अशोक भी इनके बुद्धत्व में समर्पित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह और पुत्री का नाम संगमित्रा था, उसको भी विदेशों में धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार से वैशाली नगर की एक प्रसिद्ध वधु आम्रपाली भी इनकी बुद्ध की शिष्या बन गई थी। इन्होंने अपने जिज्ञासु जो इनके शिष्य थे, जानने की इच्छा रखने वाले थे, अपने जिज्ञासुओं की शंकाओं को, जो उनके मन में शंका थी, उनका निवारण किया, उनकी शंका को दूर किया। ये मात्र उपदेश ही नहीं देते थे, विभिन्न प्रयोगों का बोध भी कराते थे। इस प्रकार से इनके मानने वाले अनेक देशों में फैल गए। इस प्रकार से बच्चों, ये आपका वीडियो आपकी पूरी हुई है, इसे ध्यानपूर्वक देखना और बाकी कार्य हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।